हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं संधारित्रों का संयोजन। और संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। देखिए, हम इस वीडियो में समझ रहे हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक। अगर आपसे प्रश्न के रूप में पूछा जाए कि तीन संधारित्रों जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। देखिए, हम चित्र अनुसार तीन संधारित्रों जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक पहला जो संधारित्र है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पहले संधारित्र की सॉरी तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से चित्रानुसार जोड़ देते हैं, और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से और अंतिम संधारित्र तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़कर पृथ्वीकृत कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं कि बिंदु A पर धन क्यू आवेश दिया जाता है, धन क्यू आवेश दिया जाता है। यही धन क्यू आवेश संधारित्र C1 को भी प्राप्त होता है, संधारित्र C2 को भी प्राप्त होता है और संधारित्र C3 को भी प्राप्त होता है। अर्थात सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है, किंतु इन संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है। हम मान लेते हैं कि संधारित्र C1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, संधारित्र C2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 और संधारित्र C3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V3 है। अर्थात हमने सबसे पहले इस चित्रानुसार मानेंगे कि माना तीन संधारित्रों C1, C2 और C3 को चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना बिंदु A को धन क्यू आवेश देते हैं, जो सभी संधारित्रों को समान रूप से प्राप्त होता है। पुनः माना संधारित्र C1, C2 और C3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है, ऐसा मान लिया जाता है। अतः परिणामी विभवांतर हम मान लेते हैं V, तो ये V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे ले लेते हैं हम समीकरण नंबर एक। अब यहां हम जानते हैं कि धारिता की परिभाषा से C बराबर होता है Q बटा V। इसलिए V बराबर होगा Q बटा C। हम जानते हैं धारिता की परिभाषा से C बराबर Q बटा V, इसलिए V बराबर होगा Q बटा C। इसलिए V1 बराबर Q C1, V2 बराबर Q C2 और V3 बराबर Q बटा C3। ठीक है, यहां हम Q के स्थान पर केवल Q रख रहे हैं, क्योंकि सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान है। अगर ये मान हम इस समीकरण एक में इनपुट कर दें, इसलिए परिणामी विभवांतर V बराबर V1 के स्थान पर रखेंगे Q बटा C1 धन V2 के स्थान पर रखेंगे Q बटा C2 धन V3 के स्थान पर रखेंगे Q बटा C3। Q सभी में है, हम इसे कॉमन ले सकते हैं, इसलिए V बराबर Q को कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 बटा C1 धन 1 बटा C2 धन 1 बटा C3। इसे ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए यहां इस समीकरण से V बराबर Q बटा C, अगर परिणामी धारिता या तुल्य धारिता C हो तो C बराबर होगा इस V के स्थान पर, तुल्य धारिता अगर हम C मान लें तो V बराबर होगा Q बटा C, हम इस V के स्थान पर Q बटा C रख सकते हैं। इसलिए
ये v के स्थान पर q बटा c रखें तो q बटा c बराबर q इंटू एक बटा c1 धन एक बटा c2 धन एक बटा c3, q से q कैंसल होता है, इस प्रकार बनता है एक बटा c बराबर एक बटा c1 धन एक बटा c2 धन एक बटा c3, यही तुल्यधारिता का व्यंजक होगा। अर्थात संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यधारिता का व्युत्क्रम, तुल्यधारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, यही तुल्यधारिता का व्यंजक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।